हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लगे NHM संविदा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर आज दूसरे दिन भी सामूहिक अवकाश पर रहे, जिससे शहर के सभी अस्पतालों की व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। NHM संविदा कर्मियों का कहना है कि वेतन विसंगतियों को लेकर पिछले लंबे समय से संघर्षरत है, लेकिन सरकार हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, जिसको लेकर के ये फैसला लिया गया। NHM कर्मियों का कहना है कि कल से प्रदेश भर के संविदा कार्मिक अपनी प्रमुख तीन मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर है। इन मांगों को लेकर NHM कर्मियों ने आज कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। कार्मिकों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी गई, तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। वहीं कार्मिकों का कहना है कि हमारी तीन मांगे हैं, जिसमें समायोजन करते हुए नियमितकरण किया जाए, वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए, साथ ही गत सरकार में झुंझुनू में NHM कार्मिकों पर लगे केस वापस लिए जाए। मिशन से सब लोग संविदा कार्मिक पिछले 10-12 साल से संविदा पर कार्य कर रहे हैं, और हम लोग अपनी मांगों को लेकर 26 तारीख से सामूहिक अवकाश पे हैं, जिसमें समस्त प्रबंधकीय संवर्ग और आयुष चिकित्सक और वर्टिकल प्रोग्राम जितने भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम आ रहे हैं, वो सभी इसमें शामिल हैं, जो कि कुछ मांगों को लेकर सरकार से रोष लेकर सामूहिक अवकाश पे ये हम लोग जाने का निर्णय लिया है। हम लोगों की मुख्य मांगे हैं जो समायोजन की हैं, जो पिछले 10-12 साल से हम समायोजन संविदा पे काम कर रहे हैं, तो सरकार से यही हमारा आग्रह है कि हमें जल्दी से जल्दी समायोजन कर परमानेंट करें। और दूसरी जो हमारी मांग है वो है वेतन विसंगति दूर करना। राजस्थान सरकार में 2010 में कुछ उच्च अधिकारियों को स्टेट लेवल के वेतन की विसंगति को दूर करके उनका पेमेंट बढ़ा दिया था, लेकिन ब्लॉक और जिला स्तर से जो नीचे के कार्य करने वाले कार्मिक हैं, जो कि दूर दूर से अन्य जगह से आए हुए और राजस्थान में अलग अलग छोटे छोटे गांवों में काम कर रहे हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अच्छा सा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको जो मानदेय है बहुत ही कम दिया जा रहा है, तो वो वेतन विसंगति को दूर करना दूसरी मुख्य मांग है। तीसरी मांग हमारी सरकार से ये है कि जो पिछले साल सरकार में झुंझुनू में जो प्रकरण हुआ था, जिसमें कुछ हमारे साथी कार्मिकों को FIR दर्ज करके और उनके खिलाफ केस दायर किया था, तो हमारी सरकार से मुख्य मांग ये है कि वो केस जितने भी हुए हैं उनको सबको निरस्त करके उन लोगों के लिए कुछ मतलब उनका केस सब हटा दिया है। एक हमारी मुख्य मांग ये भी है कि जो लॉयल्टी बोनस केंद्र सरकार ने हम लोगों के लिए दिए हैं, राजस्थान सरकार ने उसको अभी रोक के रखा हुआ है, और उसके लिए राजस्थान सरकार ये कह रही है, हमारा विभाग ये कह रहा है कि वित्त विभाग से इसको परमिशन नहीं मिली है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये बजट दे दिया है और उसके बावजूद भी हम लोगों का हक हमें नहीं मिल रहा है, तो ये एक मुख्य मांग हमारी यही है। और इसी मांग को ये सर अभी अनिश्चितकालीन है, और इसके लिए वार्ता भी विभाग ने एकदम पहली बार ऐसा हुआ है कि हर दूसरे दिन ही विभाग ने अलर्ट होकर इसके लिए वार्ता बुलाई है, और आज हमारी जयपुर में वार्ता भी चल रही है। अब इसका निर्णय वार्ता सक्सेसफुल होने के बाद ही यह हो पाएगा कि हमारी हड़ताल अब कितने दिन चलेगी। मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैं मूल रूप से ब्लॉक मिलड़ा में पोस्टेड हूँ, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक।